हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भिएनपी कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस जेंडर अर्थात लिंग। हम हिंदी में लिंग पढ़ने वाले हैं, कितना लिंग होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग। ओके, देखिए कह रहा है कि संज्ञा विकारी शब्द है और विकार का अर्थ होता है परिवर्तित होना। फिर समझिए, कह रहा है संज्ञा जो है विकारी शब्द है और विकार का अर्थ होता है परिवर्तित होना अर्थात बदल जाना। और संज्ञा में विकार तीन प्रकार से होता है, लिंग के आधार पर हो जाता है, वचन के आधार पर हो जाता है, कारक के आधार पर हो जाता है, ठीक है ना। एक एक करके हम आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो बने रहिए भिएनपी कैंपस के साथ। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिभाषा का अगर हम लोग इसकी बात करें बालक, तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष अर्थात नर है, जाति का है, अथवा स्त्री मादा जाति का है, उसे व्याकरण में हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में लिंग के जो भेद माने जाते हैं बालक, वो हिंदी में दो ही भेद हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अगर हम पुल्लिंग की बात करें बालक, तो पुल्लिंग क्या होता है, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। यानी मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो क्या हो जाएगा आपका, पुलिंग हो जाएगा, ठीक। जैसे पुरुष, बालक, बैल, तोता, बंदर, शिक्षक, शिक्षक भी यहाँ पर पुलिंग होता है बालक, ठीक है ना। अगर ही अगर इंग्लिश में बात करते इसको, तो हम लोग कॉमन जेंडर की बात मान लेते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में सिर्फ आप दो ही पढ़ना है, एक पुलिंग पढ़ना है, दूसरा स्त्रीलिंग पढ़ना है। अब बात करें हम लोग स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन की, तो जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे स्त्री, बालिका, गंगा, मलाई, गाय, शिक्षिका, पेंसिल आदि, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। बेसिकली आपको बताएं तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो हो जाएगा पुल्लिंग, जिससे स्त्री का बोध हो जाए वो हो जाए स्त्रीलिंग, ठीक है ना। और हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। पुल्लिंग के पहचान के कुछ सामान्य नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं होती है, जैसे कि पुरुष जानते हैं, आदमी पुल्लिंग होता है, मनुष्य पुल्लिंग होता है, शेर पुल्लिंग होता है, चीता पुल्लिंग होता है, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, तोता, मेढक, सांप, कबूतर, बंदर, मच्छर, पशु, कौवा, खरगोश, गेंडा, ये सभी के सभी आपको पुल्लिंग दर्शाते हैं। अर्थात ये सब कैसे जेंडर है, तो पुरुषवाचक है, ठीक है, यानी कि पुलिंग दर्शा रहे हैं, ठीक है ना, मैस्कुलिन कह सकते हैं आप। और ये प्राणीवाचक पुलिंग संज्ञाएं बालक, क्लियर है। अब देखिए अप्राणीवाचक पुलिंग संज्ञाएं की अगर हम लोग बात करें बालक, जैसे कुछ फलों के नाम होते हैं, ठीक है ना, जिसके आम, सेब, केला, संतरा, अमरूद, कुछ अपवाद भी देखिए, जैसे लीची और नाशपाती, ये दोनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। ऐसे ही कुछ पर्वतों के नाम है, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, आल्प्स, अरावली, जितने पर्वत होते हैं वो सभी के सभी पुलिंग हो जाएंगे। महीनों के नाम जितने भी, वो हिंदी वाला, नॉट जनवरी फरवरी, ठीक है ना, हिंदी वाला, जैसे माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, ये जितने भी हो जाते हैं महीनों के नाम, वो हिंदी वाले महीनों के नाम। तो हिंदी वाले महीनों के नाम सबके सब क्या हो जाते हैं, पुलिंग हो जाते हैं बालक। वैसे दिनों के नाम है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इटीसी, ठीक, तो जितने भी दिन के नाम हो जाएंगे वो सभी के सभी पुलिंग हो जाएंगे। समय सूचक नाम की बात कर रहा है, जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, ये सबके सब जो होते हैं युग, इसके समय सूचक जितने भी नाम हो जाएंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। अब कुछ इनमें अपवाद भी है जो पुलिंग न होकर स्त्रीलिंग होता है, जैसे रात होती है, दोपहर होती है, शाम, संध्या, सांझ, ये चारों जो है बेटा वो स्त्रीलिंग है। कौन कौन है, रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, क्लियर है। आगे देखते हम लोग। अब कुछ देशों के नाम देखिए, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, बस अपवाद में एक श्रीलंका है जो ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना, बाकी सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी ग्रहों के नाम होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध, राहु, केतु, अपवाद के रूप में पृथ्वी, पृथ्वी आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, सभी जितने भी धातु के नाम है सबके सब पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद के रूप में चांदी है जो स्त्रीलिंग है, ठीक। वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, बबूल, आम, अमरूद, अशोक, ताड़, ठीक है।
अनाजों के नाम चावल गेहूं मक्का बाजरा चना, द्रव्य पदार्थों के नाम तेल घी दूध शरबत मक्खन, अपवाद के रूप में है काफी चाय लस्सी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला क्या, अच्छा सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं लेकिन ई, देखिए सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं लेकिन ई और ई ये दोनों जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर है बात समझ, जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं वो सबके सब पुल्लिंग होते हैं लेकिन ई आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसे देखिए रोटी, देखिए समुद्र के नाम हिंद महासागर प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर, कुछ मूल्यवान पत्थर होते हैं जैसे रत्न हीरा पुखराज नीलम गोमेद पन्ना मोती माणिक्य, लेकिन अपवाद के रूप में मणि, मणि आपका स्त्रीलिंग है बालक। ठीक है ना, मणि आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। क्लियर है, अब देखिए जिन शब्दों के अंत में आपा खाना त्व वाला पन एरा आव आर दान आवा आदि आते हैं वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए बुढ़ापा मोटापा खाना, देखिए डाक खाना पागल खाना दवा खाना देवत्व स्त्रीत्व ब्रह्मत्व प्रभुत्व फल वाला चाय वाला दूध वाला बचपन लड़कपन पागलपन, जितने भी देख रहे हैं खाना आपा आना त्व काला पन एरा ये सब जितने भी आएंगे इसे क्या साबित होगा कि ये शब्द कैसे हैं पुल्लिंग है वाला। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा जिन शब्दों के अंत में ख ज न आता है सॉरी त्र आता है उसे भी हम लोग पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए सुलेख सुख दुख नख सिख, ज का मतलब पंकज धीरज नीरज जलज सरोज। ठीक है, अच्छा ये दब जा रहा है, सही हो जाएगा अभी। अब देखिए जैसे त्र में पत्र चित्र सत्र, शरीर के कुछ अंग है जैसे सिर बाल माथा नाक गाल कान होठ मुंह दांत। अब देखिए ये टोटल सिर की बात कर रहा है, देखिए पूरा सिर में, ठीक है ना, जैसे बाल हो गया माथा हो गया नाक हो गया गाल हो गया कान हो गया होठ हो गया मुंह हो गया दांत हो गया, शरीर कुछ ये अंग जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए नेक्स्ट। अब स्त्रीलिंग की हम लोग पहचान कैसे करें बालक, स्त्रीलिंग की पहचान को समान नियम है, जैसे जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ छोटी अथवा छोटा उ हो जैसे आ दया कृपा क्षमा याचना करुणा वंदना, देखिए ई रीति रिद्धि शमिति शांति, अपवाद में रवि और कवि जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आहट आवट या ता इमा आश्री तऊ आदि आते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आहट आ जाए तो गर्माहट घबराहट नाहट चिल्लाहट मुस्कुराहट, देखिए आवट में थकावट मिलावट सजावट बनावट रुकावट, इया जो हो जाता है जैसे चुटिया चुहिया, ठीक है ना, कुटिया गुड़िया, ता का मतलब चिंता लघुता कटुता मनुष्यता पशुता, आई आ जाए तो बुराई भलाई लड़ाई पढ़ाई। ठीक है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए, अब भाषाओं और बोलियों तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देखिए हिंदी गुजराती अंग्रेजी देवनागरी हरियाणवी, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम तथा झीलों के नाम जितने भी होते हैं वो सबके सब स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम वो भी संस्कृत वाला प्रथमा एकादशी पूर्णिमा अमावस्या स्त्रीलिंग होता है। नक्षत्रों के नाम जैसे कृतिका भरणी चित्रा रोहिणी, भोजन और मसालों के नाम रोटी सब्जी पूरी जलेबी हल्दी मिर्च, शरीर के अंग आँख गर्दन छाती अंगुली जुबान नाक टांग, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा, शिष्य का शिष्या, प्रिय का प्रिया, बाल का बाला, सुत का सुता, आचार्य का आचार्य, वृद्ध का वृद्धा, अज का अजा, सुशील का सुशीला, चंचल का चंचला, पूज्य का पूज्य। नेक्स्ट देखिए, देव का देवी हो जाएगा, नाना का नानी, भतीजा का भतीजी, लंबा का लंबी, पुत्र का पुत्री, दादा का दादी, घोड़ा घोड़ी, मामा का मामी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मुर्गा का मुर्गी। नेक्स्ट देखिए, नट का हो जाएगा नटनी, रीछ का हो जाएगा रीछनी, जाट का हो जाएगा जाटनी, सिंह का सिंघनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, ऊंट का ऊंटनी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी, मेहतर का मेहतरानी, रुद्र का रुद्राणी, इंद्र का इंद्राणी, सेठ का सेठानी, छत्री का छत्राणी, माली का मलिन सॉरी मालिन हो जाएगा, तेल का तेलिन, जोगी का जोगिन, पापी का पापिन, नाग का नागिन, दर्जी का दर्जिन, नाई का नाइन, पुजारी का पुजारी।
अब देखिए जैसे कुछ जुलाहा है, देखिए जुलाहा का हो जाएगा जुलाहिन, पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, पंडा का पंडाइन, ठाकुर का ठाकुराइन, लाल का ललाइन, चौधरी का चौधराइन, चौबे का चौबाइन और बाबू का बबुआइन, चिड़ा का चिड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बिटिया, लोहा का लुटिया, सॉरी लोटा का लुटिया, मुन्ना का मुनिया, चूहा का चूहिया, गुड्डा का गुड़िया, बंदर का बंदरिया। सेवा का स्त्रीलिंग सेविका, पाठक का पाठिका, निवेदक का निवेदिका, धावक का धाविका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, याचक का याचिका, शिक्षक का शिक्षिका, सुधारक का सुधारिका, लेखक का लेखिका, श्रीमान का श्रीमती, बलवान का बलवती, धनवान का धनवती, भगवान का भगवती, गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती, आयुष्मान का आयुष्मती, भाग्यवान का भाग्यवती। अब देखिए कर्ता का हो जाएगा कर्त्री, नेता का नेत्री, प्रबंधनकर्ता का प्रबंधन कर्त्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, दाता का दात्री, भाई का बहन, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, मर्द का औरत, पति का पत्नी, विदुर का विधवा, बैल का गाय, नंदोई का ननद, ससुर का सास और बिलाव का बिल्ली। वैसे कुछ पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जैसे मच्छर का मादा मच्छर, गैंडा का मादा मांडा, गादा मादा गैंडा, उल्लू का मादा उल्लू, खरगोश का मादा खरगोश, चीता का मादा चीता, बिच्छू का मादा बिच्छू, कौवा का मादा कौवा, भेड़िया का मादा भेड़िया, गिलहरी का नर गिलहरी, मक्खी का नर मक्खी, चील का नर चील, भेड़ का नर भेड़, दीमक का नर दीमक, छिपली का नर छिपली, कोयल का नर कोयल, बुलबुल का नर बुलबुल। अब देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन जो शब्द है वो क्या है, आपको आंसर करना है। आपने पूरा पढ़ लिया है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। क्या दिन पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे बता दूं, दिन अगर जो होता है बच्चा वैसे वो पुलिंग होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से पुलिंग शब्द कौन सा है, राशि, कुर्सी, पक्षी, चील, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुलिंग है। तो देखिए इसमें पक्षी जो होता है बच्चा वो पुलिंग होता है, ठीक है। देखिए भवानी शब्द का पुलिंग क्या है, तो भव से बन जाता है भवानी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, आपको बताना। इसमें एक ऐसा शब्द है जो पुलिंग नहीं है, क्या छाता, देखिए आ का मंत्र आ गया, सूर्य, अमरूद, तो इसमें जो बनावट होती है, ठीक है ना, बनावट स्त्रीलिंग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुलिंग है, विदुषी, छात्रा, पड़ोसी, शिष्या, कह रहे कौन सा शब्द पुलिंग है, देखिए छात्रा स्त्रीलिंग, शिष्या भी स्त्रीलिंग, विदुषी भी स्त्रीलिंग, तो पड़ोसी आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पुलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवित्री, और ये स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, क्या औजार, इलाज, कपूर और औलाद, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, औलाद जो शब्द होती है वो स्त्रीलिंग होती है, ठीक। अभिमानी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है बालक, तो अभिमानी शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अभिमानिनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में पुलिंग शब्द का चयन करिए, देखिए रामायण पुलिंग शब्द का सतलुज, अमावस्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा वो आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली शब्द पुलिंग शब्द है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुलिंग है, आपको बताना इसमें से कौन सा शब्द पुलिंग है, कछुआ, छिपकली और टोली, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर इसका दीजिए क्या होगा, तो कछुआ हो जाएगा आपका पुलिंग शब्द है, ठीक है। निम्न में पुलिंग शब्द क्या है, तिथि, टोपी, मिलावट, कपि, तो कपि पुलिंग हो जाएगा, कपि और रवि दोनों क्या थे, पुलिंग शब्द थे, ठीक है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए, क्या क्रोध स्त्रीलिंग है, कपड़ा स्त्रीलिंग है, शौर्य है, डिबिया है, इसका आंसर आप करेंगे खुद, ठीक है। हिंदी में वचन कितने होते हैं, इसका आंसर खुद बताइएगा, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, अनगिनत होते हैं, ठीक। घोड़े शब्द में कौन सा बहुवचन है, इसको मैं आंसर नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है ना। घोड़े एक वचन है या बहुवचन है या दोनों है, ठीक है ना, इसका आंसर आप बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, सदा एक वचन में, क्या सहायता है, माल है, पुस्तक है, लड़का है, हमेशा एक वचन में कौन प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसका आंसर आप खुद करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस।